अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जो दो दो रुपए लीटर सस्ता हो गया है। कल शाम को ही केंद्र सरकार ने दरों में कमी का ऐलान किया और सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव में दो दो रुपए प्रति लीटर की कमी हुई है। 4 महानगरों में अब दाम कम हो गया। दिल्ली में 96.72 रुपए पहले था, अब 94.72 रुपए हो गया है। मुंबई में अब 104.21 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, पहले 106.33 रुपए प्रति लीटर था। कोलकाता में भी 100 रुपए के पार ही रेट अभी भी है, पहले 106.03 रुपए था, तो अभी एक कम होकर 103.94 रुपए हो गया। चेन्नई में 102.63 रुपए प्रति लीटर था, अब ये 100.75 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल के दाम भी कम हुए, 2-2 रुपए प्रति लीटर कटौती हुई है। हालांकि लोग इसे जीरे के समान ही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेट कम नहीं है, खासतौर पर उन प्रदेशों में जहां पर वैट बहुत ज्यादा है, जहां पर अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार हैं। दिल्ली में 94.84 प्रति लीटर अब नई कीमतें हैं, 94.72 रुपए प्रति लीटर नई दरें हैं। मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बड़े बड़े शहरों में कुछ नई दरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान प्रदेशों में वो प्रदेश है जहां पर वैट भी कम हुआ है। अब ये डीजल के प्राइसेस हैं, दिल्ली में आप 87.62 रुपए प्रति लीटर डीजल मिलेगा, मुंबई में ये 92.15 रुपए प्रति लीटर है, कोलकाता में 90.76 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, चेन्नई में 92.34 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये नई दरें लागू हो गई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 रुपए राहत है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 रुपए कोई राहत नहीं है। राजस्थान में वैट भी कम हुआ है। लोग दरअसल दलील ये दे रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो आपको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन जब वो आम आदमी तक पहुंच रहा है, जब वो पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है, तो उसमें इतने टैक्सेस ऐड हो जा रहे हैं कि वो आम आदमी को सस्ता नहीं मिल पा रहा, जो कि मिलना चाहिए था। इस बीच में क्रूड ऑयल इंटरनेशनली बहुत कम थे, लेकिन उस समय भी आम आदमी को राहत नहीं दी गई थी, क्योंकि ये दलील दी जा रही थी कि पेट्रोल कंपनीज घाटे में। अब कुछ प्रतिक्रिया आई है इस प्राइसेस के कम होने के बाद। गृहमंत्री शाह का कि मोदी जी के प्रयासों से पेट्रोल के दाम में पिछले 2.5 वर्षों में करीब 15 रुपए लीटर, डीजल के दाम में करीब 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आए हैं, और इसके लिए मोदी जी का आभार। दरअसल ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनावों से पहले ये बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई, कल 2 रुपए प्रति लीटर कम हुई है। मोदी जी की और विदेश जाकर भारत की निंदा करने वाले और गरीबों के हित का झूठा दिखावा करने वाले, जो अब भी पेट्रोल 15 रुपए महंगा बेच रहे हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट पी चिदंबरम का भी आया। पूर्व वित्त मंत्री कहा कि क्या सरकार ये बताएगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में आए तो कीमतें बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने पहले एलपीजी सिलेंडर में 700 रुपए इजाफा किया, फिर चुनाव के पूर्व संध्या पर 100 रुपए की कमी की। पेट्रोल डीजल के मामले में भी बिल्कुल वैसे ही चालाकी बरती गई। दरअसल यही लोग भी कह रहे हैं कि पहले कीमतें इतनी बढ़ा दी और उसके बाद आप बहुत मामूली सी राहत दे रहे हैं, तो ये राहत है नहीं, यही ऑपोजिशन कह रहा है।